नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप में चयन न होने के चलते संन्यास ले लिया था और उन्होंने फैसला लिया था कि वो T20 लीग में अपना खेलना जारी रखेंगे और उन्होंने यहाँ पर अपनी पहली T20 लीग में कमाल करके दिखाया है। दोस्तों, युवराज सिंह ने T20 कनाडा लीग में शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें उन्होंने अपने पहले मैच यानी कि अभ्यास मुकाबले में इन्होंने शानदार पारी खेली थी और इस पारी के चलते इन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि अभी भी सिक्सर किंग युवराज सिंह ही हैं। तो क्या है पूरी जानकारी डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आप भी यूवी के फैन हैं तो। दोस्तों, ग्लोबल कनाडा T20 लीग में युवराज सिंह ने धमाकेदार आगाज किया है, जहां पर उन्होंने अपनी टीम टोरंटो नेशनल की तरफ से खेलते हुए पहले ही मुकाबले यानी कि इनका जो टीम का अभ्यास मुकाबला था उसमें इन्होंने शानदार पारी खेली। इस दौरान इन्होंने मात्र 28 गेंदें खेली जिसमें 74 रन जड़ दिए और इसमें 8 बड़े छक्के शामिल थे, साथ ही 4 चौके की। इस तूफानी पारी के बदौलत इनकी टीम ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं पर युवराज सिंह ने इस T20 लीग में के शुरुआत से ही अपनी फॉर्म दिखा दिए और अब होने वाले मुकाबलों में युवराज सिंह पूरी फॉर्म के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, युवराज सिंह की इस पारी के बारे में आपका क्या कहना है और साथ ही दोस्तों क्या इस बार ग्लोबल T20 लीग में युवराज सिंह कमाल करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।